गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 5 के साइंस का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। ओके, हमारा चैप्टर 3 क्या है? हेल्थ एंड डिजीज। ओके, तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर वर्ड आता है हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य होता है। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजीज? डिजीज का मतलब क्या होता है? बीमारी। डिजीज का मतलब बीमारी होता है। ओके, चलिए लेट बिगिन, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। बोला गया क्या कि नीचे एक स्टोरी दिया हुआ है, इस स्टोरी को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ओके, नाउ स्टोरी क्या है देखते हैं। अन्ना नोज दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट वेल एंड एक्सरसाइज वेल। क्या बोला गया? अन्ना नोज, नोज मतलब क्या होता है? जानना। अन्ना जान रहा है, क्या जान रहा है? दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? टू ईट वेल मतलब क्या हो गया? एक अच्छे से भोजन करना। एंड एक्सरसाइज वेल मतलब क्या हो गया? कि अच्छे से आपको एक्सरसाइज करना, ये बहुत ही जरूरी होता है। ओके, सी गोज फॉर अ वॉक, सी गोज फॉर अ वॉक विथ हर मदर एवरी संडे मॉर्निंग। अब देखिए, सी गोज फॉर अ वॉक, सी का मतलब क्या हो गया? अन्ना इज अ गर्ल। ओके, तो सी गोज फॉर अ वॉक, वो क्या करती है? टहलने जाती है। किसके साथ? विथ हर मदर, अपने माँ के साथ। एवरी संडे मॉर्निंग, प्रत्येक रविवार के दिन सुबह में वो अपने माँ के साथ टहलने जाती है। ओके, सी देन ईट एन एग, उसके बाद क्या करती है? टहल कर आती है तो वो अंडा खाती है। टू स्लाइसेस ऑफ अ ब्रेड, जो ब्रेड होता है, ब्रेड का दो जो कि है स्लाइस को वो खाती है। तो इस तरह से एक आपका स्लाइस ये हो गया ब्रेड का, और ये आपका ये सेकेंड स्लाइस है ब्रेड का। ओके, तो ये जो ब्रेड का स्लाइसेज है, आने के बाद क्या करती है? वो अंडा खाती है और ब्रेड के दो स्लाइस को वो खाती है। ओके, नाउ एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ अ मिल्क फॉर अ ब्रेकफास्ट। तो वो नाश्ते में क्या कर रही है? और वो एक ग्लास दूध पीती है। ओके, नाउ टुडे द अन्ना हैड अ टेनिस गेम विथ हर फ्रेंड। बोला गया क्या कि आज अन्ना का क्या है? एक टेनिस का आज खेल है। किसके साथ गेम है? गेम विथ हर फ्रेंड, उसको अपने दोस्त के साथ क्या है आज टेनिस खेलना है, तो उसका ये गेम है आज। दे प्लेड ऑल मॉर्निंग एंड देन सेट डाउन टू ईट देयर पैक्ड लंच। बोला गया क्या कि दे प्लेड, वो पूरे दिन क्या कर रही है? खेली, उसके बाद सेट डाउन टू ईट देयर पैक्ड लंच, जो उसके पास पैक्ड लंच है उसको खाने के लिए वो बैठ जाती है। ओके, नाउ आगे देखिए अली। अब देखिए अली कौन है? अन्ना के साथ जो खेल रहा उसका फ्रेंड होगा। अली लंच वाज अ कप केक। अली का लंच क्या है? एक कप ऑफ केक है। ठीक है, देखिए इस तरह से केक हमारा है। सुगर बिस्किट, साथ में एक बिस्किट भी वो लेकर आया है अपने लंच में। एंड पोटैटो चिप्स, और साथ में क्या है? आलू से बना हुआ चिप्स है। ओके, नीना कैरिड अ राइस, जो कि नीना है। नीना क्या लेकर आई है? चावल लेकर आई है। मिक्स वेजिटेबल कड़ी एंड स्लाइस ऑफ अ चीजेस। तो देखिए नीना ने क्या लेकर आया? चावल लेकर आया है, मिक्स वेजिटेबल कड़ी। ओके, एंड स्लाइस ऑफ अ चीज, चीज जो हमारा होता है उसका जो कि स्लाइस लेकर आई है, कटा हुआ पीस। ओके, रवि लंच वाज चिकन नजेट्स एंड द बॉयल्ड कैरट्स एंड डीप मेड ऑफ अ ऑलिव ऑयल। तो देखिए रवि के पास क्या है? रवि का लंच में है चिकन है, बॉयल्ड कैरट है, वाला हुआ गाजर। ओके, एंड डीप मेड ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल का बना हुआ भोजन है। अन्ना कैरिड हर फेवरेट पीस। अन्ना क्या लेकर आई है? अपना फेवरेट फिश लेकर आई है, फेवरेट फिश फिंगर्स, टोमेटो सॉस एंड अ स्मॉल बॉटल ऑफ अ लाइम जूस, एंड अ स्मॉल बॉटल ऑफ अ लाइम जूस। ओके, दे इंजॉय देयर लंच एंड वेंट होम। वो लोग क्या करते हैं? अपने लंच को इंजॉय करते हैं, खाते हैं, उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। एंड प्रॉमिस टू मीट अगेन ऑन नेक्स्ट संडे, और उस लोग क्या प्रॉमिस करते हैं? कि हम लोग अगले संडे को फिर से मिलेंगे। ओके, तो ये क्या था आपका? एक कहानी था। अब इस कहानी के आधार पर आपको करना क्या है ये सबसे पहले समझना है। ओके, देखिए तो इस कहानी के आधार पर आपके पास जो कि है फिलअप करना है। क्या फिलअप करना है देखिए, नाउ लेट्स सी। बोला गया क्या?
sort each highlighted word. तो देखिए इसमें जो भी हाईलाइटेड वर्ड है उसको बोला गया क्या, सबसे पहले चुनकर अलग कीजिए हाईलाइटेड वर्ड कौन सा है जैसे हम दिखाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर ये हाईलाइटेड है क्या, टोमेटो, ओके। यहाँ पर क्या है, लाइम। यहाँ पर कैरोट, ओके। चीज, ओके। शुगर, इस तरह से जो आपका हाईलाइटेड है डार्क में उसको क्या करना, सॉर्ट आउट करना, मतलब वहां से चुनकर आपको कॉपी पे पहले कहीं पर लिख लेना है। तो sort each highlighted word from the story into a flowing nutrients. तो जो इसमें से nutrients है उसको आपको चुन के अलग कर लेना है। अब आपको क्या करना है, rich in carbohydrates, जो भी इसमें से highlighted word carbohydrates से आपका related है उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो अभी तो आप नहीं समझ पा रहे कि carbohydrates किस में rich होता है, तो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे और वहाँ से फिर आपको क्या करना है, बैक आकर फिलअप करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम अभी बता देते हैं आपको, आप पीछे में समझ लीजिएगा। हमारे पास पहला कार्बोहाइड्रेट से क्या हो गया, राइस, ओके। इसी तरह से दूसरा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किस में मिलता है, ब्रेड, ठीक है। तीसरा उसके बाद शुगर, इसके बाद और एक क्या है, पोटैटो, पोटैटो, ओके। तो इसे फिलअप कर लेना है। दूसरा क्या बोला गया है, रिच इन प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन मिलता है उसको आपको लिखना है। प्रोटीन हमको किस में मिलेगा, एग, मिल्क, ओके, चीज, चिकन, ओके। इसी तरह से हमारा थर्ड क्या है, रिच इन फैट, फैट किस में मिलेगा, ऑयल, ओके। नेक्स्ट क्या है, रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन, मिनरल्स और विटामिन किस में मिलते हैं, वेजिटेबल, वेजिटेबल में। और देखिए क्या है ऊपर, कैरोट, टोमेटो, टोमेटो, लाइम, ओके। तो ये आपको फिलअप कर लेना है, ओके। ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको फिलअप कीजिए, चलिए, ओके बेटा। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। देखिए आगे हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाई फूड इम्पोर्टेंट, भोजन क्यों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड अ फूड, जितने भी जीवित प्राणी है उनको क्या चाहिए, भोजन चाहिए, ओके। फूड मेक आवर बॉडी हेल्थी, जो हम लोग भोजन लेते हैं इससे हमारा बॉडी क्या होता है, हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत भी होता है, ओके। इट आल्सो गिव अस एनर्जी टू डू अ थिंग्स, अब देखिए जब हम लोग भोजन को खाते हैं लेते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो जब लेते हैं तो हमारा बॉडी क्या हो रहा है, हेल्दी भी रह रहा है, स्ट्रॉन्ग भी है, और हमें एनर्जी मिलता है। एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा, ऊर्जा मिलता है, क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। जब आपके पास एनर्जी रहेगा तो आप क्या कर सकते, कोई भी वर्क कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, ओके। बी ईट फूड सच एज, जो हम लोग भोजन खाते हैं जैसे राइस, व्हीट, वेजिटेबल, फ्रूट, क्योंकि फूड्स के पार्ट्स क्या है, बी ईट अ फूड सच एज राइस, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, तो गेहूं का क्या खाते हैं बेटा, चपाती खाते हैं, वेजिटेबल्स सब्जी भी हम लोग जो कि फूड्स में लेते हैं, फ्रूट फल को भी लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को हम लोग लेते हैं, मिल्क दूध भी लेते हैं एंड बटर। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड That we eat make our body strong and healthy. तो देखिए जो अलग अलग तरह के हम लोग भोजन में इस तरह का फूड खाते हैं, इससे हमारा बॉडी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है और स्वस्थ होता है, ओके। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ फूड दैट मेक्स अस अ स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड गिव एनर्जी इज कॉल्ड अ न्यूट्रिएंट। तो देखिए यहाँ से हमारे पास एक क्या डेफिनेशन मिला न्यूट्रिएंट्स का, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ फूड, जो हमारे भोजन में वस्तु पर उपस्थित रहते हैं क्या, दैट मेक अस अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड एनर्जी आर नॉन एज अ न्यूट्रिएंट्स, इसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स एक नया वर्ड आया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, पोषक तत्व या फिर पोषक पदार्थ भी हम लोग बोल सकते हैं। पोषक पदार्थ का मतलब क्या हो गया, जो आपको ताकत देता
है उसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ओके चलिए इसके आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कीपिंग हेल्दी, हम लोग कौन सा भोजन खाएंगे तो हम लोग क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ओके देखिए, कीपिंग हेल्दी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ, हमारे जो जीवन का एक क्या होता, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्रिया होती है क्या, स्वस्थ रहना। कैसे रहेंगे, अ बैलेंस्ड डाइट, एडिक्वेट एक्सरसाइज एंड रेस्ट हेल्प टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। ओके तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक नया वर्ड आया, क्या, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार, संतुलित आहार। आहार का मतलब क्या हो गया, भोजन। तो भोजन कैसा करना चाहिए, संतुलित, मतलब सब कुछ हमें मिले, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडिक्वेट एक्सरसाइज। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। तो एडिक्वेट का मतलब भी आपको कॉपी में लिख लेना, एडिक्वेट। तो एडिक्वेट मतलब पर्याप्त। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं नेक्स्ट मीनिंग क्या, एडुकेट। एडुकेट का मतलब क्या हो गया, पर्याप्त, या फिर एक और बोला जा सकता है इसको हम लोग, उचित मात्रा। ओके चलिए, एंड रेस्ट हेल्प टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, इससे हमारा बॉडी क्या होता है, स्वस्थ रहता है। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, बैलेंस्ड डाइट। हमारा अगला टॉपिक क्या है, बैलेंस्ड डाइट है, ठीक है। चलिए बैलेंस्ड डाइट के बारे में हम लोग देखते हैं कि बैलेंस्ड डाइट में क्या पढ़ना है। देखिए तो बैलेंस्ड डाइट का अभी हम लोग अभी हिंदी देखे क्या, संतुलित आहार। तो हमारा संतुलित आहार क्या है, वी हैव लर्नड अर्लियर डैट द फूड वी ईट इज कॉल्ड आवर डाइट। जो हम लोग भोजन लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं, ठीक है। डाइट मतलब आहार होता है। अ डाइट दैट कंटेन्स अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट, मतलब क्या, एक ऐसा भोजन जिसमें सारा क्या होना चाहिए, पोषक पदार्थ आपको मिल रहा है, एज वेल एज एनफ वाटर एंड द डाइट ट्री फाइबर इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट किसको बोलेंगे, एक ऐसा डाइट, यहाँ से देखिए, अ बैलेंस्ड डाइट दैट कंटेन्स सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट, एक जिसमें क्या रहेगा हमारा, सारा जो कि है पोषक पदार्थ मिले, एज वेल एज एनफ वाटर, और क्या, हमें पानी भी अधिक मात्रा में लेना चाहिए, एंड डाइट्री फाइबर इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट, इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। ओके नाउ सो फॉर द डाइट टू बी बैलेंस, इसीलिए हमारा डाइट क्या होना चाहिए, भोजन एक बैलेंस होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। ओके इट शुड कंटेन, इसमें क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स एक क्या है हमारा, इसका नाम है, ठीक है, प्रोटीन, फैट। फैट का मतलब क्या होता है, फैट मतलब वसा होता है, विटामिन्स। ओके एंड मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब क्या होता है बेटा, मिनरल्स मीन्स खनिज। ओके रफेज एज वेल एज एनफ वाटर, तो रफेज मतलब क्या हो गया, मतलब खुरदुरा चीज, मतलब क्या हो गया आपका, एक समझ लीजिए यहाँ पर अच्छे से, जैसे हम लोग चने खाते हैं, ठीक है ना, मैज खाते हैं, मक्का, तो जो आपका रफ होगा, ठीक है ना, रफ सरफेस जैसा उसका पार्ट्स होगा, तो ये आपका जो कि रफेज होते हैं, एज वेल एज एनफ वाटर, और साथ में क्या होना चाहिए, अधिक मात्रा में हमें पानी का भी यूज करना चाहिए। ओके देखिए यहाँ पर कुछ विटामिन के बारे में दिया गया था, तो जैसे आपको स्टार्टिंग में फिलअप करना था तो आपको विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। देखिए विटामिन एंड मिनरल्स कहाँ से मिलता है हमारा, फ्रूट में मिलता, फल में, वेजिटेबल सब्जी में, मिल्क एंड एग आर अ रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन, इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं और विटामिन भी मिलते हैं। दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अ डिजीज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अ फॉलिंग अ सिक। अब देखिए ये जो विटामिन मिनरल्स ये सब चीज़ अगर खाइएगा तो आपके साथ क्या होगा, ये आपके बॉडी में मदद करता है, किस चीज़ में मदद करता है, इट हेल्प आवर बॉडी, हमारे बॉडी को मदद क्या करता है, टू फाइट अ डिजीज, जो बीमारी होती है, ठीक है, उससे ये लड़ने में हमारा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, ठीक है ना। तो ये सब हमारा बैलेंस डाइट में आते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स के अंदर में। ओके एंड प्रोटेक्ट अस फॉलिंग अस सिक, ये हमें बीमार पड़ने से भी बचाता है। ओके नाउ वाटर, इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ डाइजेशन ऑफ अ फूड। अब देखिए जब हम लोग भोजन खाते हैं तो उस भोजन को क्या होना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए। डाइजेस्ट का मतलब क्या होना, पच जाना, ठीक है ना।
एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, मल त्याग, मतलब क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से हमारे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, जो पोषक पदार्थ होंगे, जो पोषक पदार्थ होंगे उसे क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, मतलब बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, तो ये हमारा वाटर का वर्क होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाउ आगे हमारा क्या, रफेज इज एन इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प टू रिमूव अ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, रफेज क्यों जरूरी होता है हमारे बॉडी में, कि ये हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे बाहर करने में ये मदद करता है। ओके, लाइक द ग्रीन वेजिटेबल एंड द फ्रूट आर सम सोर्सेज ऑफ रफेज। अब देखिए, अगर हम लोग सब्जी खाते हैं तो सब्जी के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारा क्या होता है, वो स्पॉइल नहीं होता, खत्म नहीं होता, वो रफेज पार्ट हो जाते हैं। जैसे फल में खाते हैं तो फल का भी आपका कुछ पार्ट्स क्या होता है, रफेज होता है, तो उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में वर्क कर देता है, किस लिए, टू गेट अ एनर्जी टू ग्रो इट। तो इस चीज में हमारा क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, और रफेज क्या करता है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने में हेल्प करता है बॉडी से। ओके, इसके बाद हमें फैट देखना। तो देखिए, फैट्स हमारा किससे किससे मिलता है, घी, बटर एंड ऑयल। तो देखिए, घी, बटर एंड ऑयल फाउंड इन अ सीड आर अ रिच इन अ फैट। अब देखिए, घी, बटर, ऑयल, ये सब क्या हमारे बीज से भी मिलते हैं, तो जो सीड से मिलते हैं इसमें क्या होता है, रिच इन फैट, अधिक मात्रा में वसा होती है। दे ऑल्सो प्रोवाइड अ एनर्जी टू आवर बॉडी। अब इसको अगर हम लोग लेते हैं अपने भोजन में तो ये हमें क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ एनर्जी टू आवर बॉडी, ये हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ताकत देता है। फैट आर स्टोर्ड टू फॉर्म्स अ एनर्जी, जो फैट होता है किस फॉर्म में रहता है, इट स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमें ऊर्जा मिलता है, ये ऊर्जा के फॉर्म में रहता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। देखिए हमारा क्या है, लेट ट्राई दिस, यहाँ पर एक ट्राई दिस दिया हुआ है, माई टिफिन बॉक्स, बोला क्या कि हमारा एक टिफिन बॉक्स है, कम्प्लीट द सेंटेंस गिवन, जो आपका सेंटेंस दिया है इसको आपको कम्प्लीट करना है। क्या बोला गया, माई टिफिन कॉन्टेंट्स और डैश टूडे, हमारे टिफिन में क्या है आज। ठीक है, तो माई टिफिन कॉन्टेंट्स है, मान लेते क्या है, चलिए यहाँ पर लिख लेते क्या कि आज का भोजन है, तो माई टिफिन कॉन्टेंट्स ऑफ फूड टूडे, या फिर लंच भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ द फूड इज रिच इन, जो भोजन है वो किसका रिच रहेगा, द फूड इज रिच इन अ न्यूट्रिएंट, रिच इन अ न्यूट्रिएंट, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, न्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ टू मेक इट कम्प्लीट बैलेंस डाइट, अब कम्प्लीट बैलेंस डाइट होने के लिए माई मदर कैन एड, उसमें मेरी माँ क्या मिलाती है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखिएगा, बैलेंस डाइट के अंदर में क्या क्या आया था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स टू माई टिफिन, ये सारे चीज़ क्या है, हमारे टिफिन में मेरी माँ मिलाती है। आई विल ऑल्सो ड्रिंक एनफ, अब एनफ क्या चाहिए आपको, वाटर, एनफ वाटर एंड कंज्यूम अ फाइबरस फूड। ओके, यहाँ पर आपको खुद से लिख लेना होगा बेटा, बुक में देख लीजिएगा पीछे दिया हुआ है क्या लिखना है, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, नाउ चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सरसाइज, क्या है, एक्सरसाइज। ओके, चलिए देखते हैं, टू कीप आवर्स सेल्फ हेल्दी, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वी नीड टू बी अ फिजिकली एक्टिव, हमें फिजिकली क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। एंड वी ऑल्सो नीड टू गेट एडिक्वेट रेस्ट, और हमें एक पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए। तो देखिए एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा, ठीक है ना। पीछे भी आपको शायद हम लिखाए थे ना, पर्याप्त मात्रा। ओके, तो हमें पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, रेस्ट मतलब आराम भी जरूरी होता है बॉडी के लिए। आवर मसल्स एंड नॉट ज्वाइंट, देखिए हमारे मांसपेशियां और ज्वाइंट, ज्वाइंट मतलब क्या हो गया, आपका जो बोन्स जहाँ पर जुड़ा हुआ है, आर डिजाइंड टू डू अ सर्टेन मूवमेंट इजली। अब देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो ज्वाइंट है वो क्या होता है, मूव करता है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, मूवमेंट का मतलब गति होना, इधर उधर घुमाते हैं तो घूमता है ना आपके बॉडी का पार्ट्स। दे हेल्प अस टू वॉक, और ये क्या हमें मदद करते हैं, वॉक, टहलने में, रन, दौड़ने में एंड जंप, कूदने में, एज वेल एज टू पिक अप ऑब्जेक्ट,
और कोई वस्तु को उठाने में भी, पिकअप मतलब क्या होता, उठाना, एंड कैरी देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वन प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह में वस्तु को लेकर जाने में भी ये हमारे ज्वाइंट्स मदद करते हैं। व्हेन वी एक्सरसाइज, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वी अलाउ आवर बॉडी टू डू दिस मूवमेंट, हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को ये मूवमेंट करने में मदद करते हैं। ओके, विदाउट एक्सरसाइज आवर मसल विल बी लूज देयर एबिलिटी टू मूव एंड बिकम अ स्टिफ एंड काउजेज ऑफ पेन। अब देखिए, अगर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते तो क्या होगा, आवर मसल विल बी लूज देयर एबिलिटी टू मूव, हमारा जो मसल्स है, मांसपेशियां है, ये मूवमेंट करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये काम नहीं करेंगे अच्छे से, बिकम अ स्टिफ एंड काउजेज ऑफ पेन, और हमारे क्या हो जाएगा, बॉडी में पेन होगा, दर्द होगा। ओके, दिस मेक अस अ फील अनहेल्दी, और ये हमें क्या बना देगा, अनहेल्दी बना देगा, अनहेल्दी का मतलब क्या हो गया, अस्वस्थ। ओके, ग्रोइंग चिल्ड्रेन शुड एक्सरसाइज डेली, तो जो अभी नवजात बच्चे होते हैं, आप लोग के तरह का बेटा जो आपका क्या है, अभी आप लोग जो कि ग्रोइंग चिल्ड्रेन है, तो आपको क्या करना चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए। ओके, रनिंग जंपिंग और रोप्स, रनिंग जंपिंग और रोप्स, स्केटिंग स्विमिंग और साइकिलिंग आर एक्सरसाइज। अब देखिए, ये सब क्या है हमारा, ये सब एक एक्सरसाइज का हमारा पार्ट्स हो जाता है, जैसे रनिंग दौड़ना, जंपिंग और रोप एक रस्सी लेकर उसके बाद उछलना, ठीक है ना, स्केटिंग करना, स्विमिंग पानी के अंदर तैरना, साइकिलिंग मतलब साइकिल को चलाना, दैट मेक्स द मसल्स एंड द बोन्स स्ट्रॉन्गर, और ये हमारे क्या होता है, मसल्स और बोन्स को मजबूत बनाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर फिगर में जैसे ये स्विमिंग दिखाया हुआ, ये साइकिलिंग दिखाया हुआ है। ओके, आगे देखते हैं, गुड टू नो, देखते क्या है, वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे टू अवॉइड अ कॉन्स्टिपेशन एंड डिहाइड्रेशन इन आवर बॉडी। अब देखिए, हमें प्रतिदिन, याद रख लीजिए बेटा, हमें प्रतिदिन क्या, 8 से 10 गिलास क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, किस लिए, टू अवॉइड अ कॉन्स्टिपेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है, कब्ज हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, कब्ज होना का मतलब क्या हो गया, मतलब डाइजेशन सही से नहीं होना, ठीक है ना, डाइजेशन नहीं होता, इसी कारण क्या होता है आपके, हाँ, स्टोमिक में पेन, पेट में दर्द होना, ठीक है। तो बच्चे क्या करते, छोटे बच्चे अक्सर क्या, फूड तो लेते हैं मगर एडिक्वेट क्वांटिटी में वो वाटर नहीं लेते, पानी को अच्छे से वो नहीं पीते हैं, जितना मात्रा चाहिए पानी का, ठीक है, उस लेवल का वाटर वो कंज्यूम नहीं करते हैं, तो कंज्यूम नहीं करने के कारण क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज हो जाता है, एंड डिहाइड्रेशन इन आवर बॉडी, और बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता, मतलब पानी का कमी हो जाता है। ओके, तो ये बहुत ही जरूरी होता है, और आप लोग भी इस चीज को आप फॉलो अप कर लीजिए, जो भी बच्चे अगर अमाउंट ऑफ वाटर को अगर कम यूज करते हैं खाने के बाद या पूरे दिन में, ठीक है, तो ये जो कि है बहुत ही आपके लिए बुरी चीज है, ठीक है, क्यों खराब है बेटा ये, क्योंकि ये आपको अनहेल्दी बनाता है, ये आपको अनहेल्दी बनाता है, कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन में क्या होगा, वोमिटिंग हो सकता है, स्टोमक पेन हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, तो ये क्यों होता है, ड्यू टू अ कंजप्शन, लेस अमाउंट ऑफ कंजक्शन ऑफ अ वाटर, अगर आप कम मात्रे में पानी को यूज कीजिएगा तो इस तरह का डिजीज होने का संभावना रहता है, ठीक है। तो अब आगे से आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें खाना के साथ साथ पानी भी जरूरी होता है, तो हमें अच्छे से एक कंजप्शन करना है पानी का। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या सीखे कि हमें जो बैलेंस डाइट तो लेना है, साथ में पानी को भी एक संतुलित मात्रा में यूज करना है, कम से कम कितना, 8 से 10 गिलास आपको पानी यूज करना होगा। ओके, चलिए देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या हो जाता है, रेस्ट। अब देखिए, जितना हम खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक स्वस्थ होने के लिए ह्यूमन बींग्स को क्या रिक्वायरमेंट होता है, आराम का भी जरूरी होता है, हमारे बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, आवर बॉडी ऑल्सो नीड अ रेस्ट, हमारा बॉडी क्या है, एक रेस्ट भी चाहता है, ठीक है, आराम भी हमारे बॉडी को चाहिए, हमारे शरीर को अगर आराम नहीं मिलेगा तब भी ये क्या होगा, इट ऑल्सो मेक्स अस टू अनहेल्दी, ये हमें अनहेल्दी बना देता है, स्लीप गिव्स आवर बॉडी द बेस्ट चांस टू अ रेस्ट,
जब हम लोग सोते हैं इस समय बहुत ही अच्छा हमारे क्या होता है, बॉडी रेस्ट होता है। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ अस नीड बिटवीन अ 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। अब देखिए मैक्सिमम हमें कितना सोना चाहिए, कम से कम 7 to 8 hours तो सोना ही चाहिए, जिससे हमारा बॉडी क्या होता है, स्वस्थ रहता है। ओके, टू लिटिल और टू मच स्लीप। अब देखिए कम सोना या फिर अधिक सोना, इट मेक्स आवर बॉडी अनहेल्दी, ये हमारे बॉडी को क्या करता है, अस्वस्थ बनाता है। तो देखिए कम सोना भी हमारे बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदायक है। अगर अधिक सोते हैं, 7 to 8 hours से ज़्यादा भी अगर हम सोते हैं, हमारा बॉडी क्या होगा, अनहेल्दी होगा, हम लोग अस्वस्थ हो सकते हैं। ओके बेटा, तो ये भी आपको याद रखना है कि हमारा स्लीपिंग आवर्स भी कितना, 7 to 8 hours होना चाहिए टू हेल्दी, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोग वर्ड मीनिंग को लिख लीजिएगा और लर्न कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।